हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्राइसेक्शन ऑफ गिवन राइट एंगल। ओके, राइट एंगल मींस 90 डिग्री में जो एंगल आता है वो राइट एंगल कहते हैं। ओके, अभी उसको हम ट्राइसेक्शन कैसे करेंगे। ओके, उसको इक्वल थ्री पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट एंगल बना लेते हैं। ओके, राइट एंगल मीन्स कि दो लाइन के बीच कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। अभी इसको हम थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसको कैसे करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि आगे जाके बहुत यूज होगी है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, तो कोई भी डिस्टेंस लेके हमको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे कोई भी रेडियस डिस्टेंस लेके हमको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। सपोज कि मैं यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे सपोज नंबरिंग कर देता हूँ मैं, ये हमारा ओ, ये ए बी। ओके, अभी जितना डिस्टेंस हमको हमने लिया है उतना ही रेडियस रहने देना है। ओके, उतना ही रेडियस लेके ए और बी, ओके, डिस्टेंस कितना है, ये जो हमने आर्क ड्रॉ किया उसकी रेडियस। ओके, उतनी ही रेडियस रहने देनी है, और एक बार इस पॉइंट पर रख के एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे रख के उतना ही रेडियस रख के ये आर्क ड्रॉ करना है। क्लियर, ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना हमने ये रेडियस रखा है उतना ही डिस्टेंस। ओके, यहां से ओ ए और ओ बी जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस रख के बी पॉइंट पे यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो। तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं सी, और या ए पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ करो, यहाँ पे नंबर आएगा डी। ओके, अभी क्या करना है, ये सी और ओ को हमें ज्वाइंट करना है। उसी तरह ओ और डी को हमें ज्वाइंट करना है। ओके, तो ये हमारा ट्राइसेक्शन ऑफ गिवन राइट एंगल। जो राइट एंगल था 90 डिग्री में जो एंगल था उसका हमने थ्री इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। क्लियर। ओके,